हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? अब गाइस फेस्टिवल्स आने वाले हैं ना, तो बैक टू बैक आप मेरे चैनल्स के ऊपर फेस्टिव हॉल्स देखोगे। तो आज की वीडियो में आप लोग साथ 5 आउटफिट शेयर करूंगी जिनको मैंने मीशो से खरीदा है। सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, साथ बाय साइड आप ट्रायल हॉल भी देख सकते हो। तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखे तो आप जाके जरूर चेकआउट करो, उसमें भी बहुत सुंदर सुंदर वाले आउटफिट्स हैं। तो चलो आज की वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गाइज ये जो सुंदर सा सूट है ना, आप ये देखो जरा कितना सुंदर, इसके ऊपर ना बड़ा बड़ा सा फ्लोरल प्रिंट है इसके दुपट्टे के ऊपर, मतलब डिफरेंट लगा मुझे इसका दुपट्टा। और साइड में आपको इस तरह से जैसे गोल्डन धागे का काम नहीं होता जो बनारसी दुपट्टों में होता है, तो बिल्कुल वैसा वाला वर्क है। दुपट्टा इज वेरी प्रिटी, कलर बहुत सुंदर है, मेहंदी ग्रीन कलर है। एंड नेक लाइन आप इसका देख सकते हो, बहुत सुंदर सा यहाँ पे वर्क किया हुआ है, रेड रेड कलर के धागे का भी काम है, मतलब पॉप कर रही है, जो भी कढ़ाई की है ना अच्छी तरह से पॉप कर रही है। तो ये है गाइस फर्स्ट सूट, और इसके पूरे सूट के ऊपर ना आपको इस तरह से ये फ्लोरल सा मिल जाएगा धागे का काम, और गोल्डन और मरून कलर के धागे जो दिख रहा है, मतलब दूर से ना मेहंदी ग्रीन कलर के सूट के ऊपर ये बहुत अच्छे से दिख रहा है। दुपट्टे का कॉम्बिनेशन मुझे डिफरेंट लगा, अच्छा लगा। तो ये था गाइस पहला सूट, और ये रेयन मटेरियल में है तो कंफर्टेबल है। स्लीव्स के ऊपर आप यहाँ पे हल्की सी ये वाली लेस लगाई हुई है इन्होंने। चलो सेकेंड आउटफिट है गाइज ये मजेंटा कलर का। अच्छा ये जो अभी मैं हॉल्स आपको दिखा रही है, आई नो ये पूरा दुपट्टा गिरता रहेगा, ये जो मैं आपको अभी हॉल दिखा रही हूँ ना गाइज, ये अंडर 1000 रुपीज के सारे आउटफिट्स हैं। अगर आपको हैवी वाले आउटफिट्स चाहिए ना 2000-2500 वाले, तो मेरे पुरानी मीशो हॉल्स जाके चेकआउट करो, आपको महंगे महंगे वाले भी आउटफिट्स दिखेंगे। बट अभी काफी लोग कॉमेंट कर रहे थे कि दी थोड़े सस्ते सस्ते वाले दिखाओ, तो चलो ये अंडर 1000 तक के हैं, 750, 800, 850, 900, यू नो वैसे कुछ। तो यहाँ पे आप स्लीव्स के ऊपर आप देख सकते हो आपको वर्क मिल जाता है, प्लस नेक के ऊपर आपको पूरे पतला सा बस आपको वर्क मिल रहा है, मिनिमम सा, बट ये अच्छा लग रहा है। मजेंटा कलर इन इटसेल्फ बहुत ज़्यादा फेस्टिव कलर है ना, तो इसके ऊपर इन्होंने बहुत हल्का सा वर्क किया, और रेयन मटेरियल है ये। एंड बीच बीच में आपको पूरे सूट के ऊपर ना इस हिसाब से धागे का काम है गोल्डन कलर के, और इसके साथ ना गाइस आपको ये नेट टाइप का दुपट्टा मिल जाता है, देख रहे हो। बट इसकी क्वालिटी अच्छी है, चुभेगी नहीं ये वाली, आपको नेट चुभेगी नहीं। और इसके साथ आपको ये पूरे इसके ऊपर ना ट्राइंगल वाली ये जो लेस होती है वो लगाई हुई है। नीचे आपको बॉटम, अब देखो अंडर 1000 आउटफिट्स है ना, तो जितने भी आउटफिट्स मैं आपको दिखाऊंगी सबके बॉटम्स आपको प्लेन मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि 1000 रुपये में वो ऊपर आपको काम करके दे रहे हैं, नीचे साथ में दुपट्टा में भी और लेस वगैरह लगी हुई, तो आपको बॉटम एकदम प्लेन मिलेगा। सिर्फ ये मजेंटा कलर का बॉटम है, ठीक है, जो मैंने अभी वियर भी किया हुआ है ना मेहंदी ग्रीन कलर का, वो भी बॉटम एकदम प्लेन है। लास्ट हॉल में भी मैंने आपको 5 आउटफिट शेयर किए थे ना, तो उसमें भी सारे बॉटम्स ना प्लेन ही थे। हैवी वाले अगर आपको सूट्स चाहिए तो गाइज आप मेरी पुरानी वीडियोस जाके चेकआउट करो। नेक्स्ट जो है ना सूट, ये लाइट कलर का सूट है, बेस इसका लाइट है, लाइट पीच, बहुत 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 लाइट पीच कलर का सूट है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ना फ्लोरल प्रिंट है, तो जो पॉप कर रहा है, मतलब बेस तो इसका यही रहा ना, ये रहा इसका बेस कलर, इसके ऊपर ये अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा कपड़ा, कपड़े की बात करूँ तो कपड़ा आपका बिल्कुल गर्मियों के अप्रोप्रिएट नहीं है। अगर आप एसी वाले कमरे में बैठ रहे तो ही आपको ये कंफर्टेबल लगेगा, नहीं तो आपको गर्मी लगेगी। जो मैंने अभी वियर किया ना ये, तो देखो फिर भी चल जाएगा क्योंकि ये रेयन मटेरियल, ये थोड़ा सा डिफरेंट स्लिपरी सा मटेरियल है, समझ रहे हो ना, बट ओवरऑल ये डिफरेंट सा अच्छा लग रहा था ऐसे प्रिंटेड साथ में, तो चलो खरीदते हैं ना, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आगे पीछे आपको दोनों तरफ ऐसे प्रिंट मिल जाएगा, और इसके साथ अच्छा ग्रीन दिया हुआ है इन्होंने, नाइस कॉम्बिनेशन, बीच में ग्रीन है ना, तो इन्होंने ग्रीन नेट का दुपट्टा लगाया है इसके साथ, नेट ही बोलेंगे ना ऐसे, इसको नेट ही बोलेंगे, ये नेट का दुपट्टा है जिसके चारों तरफ इस हिसाब से गोल्डन गोल्डन सा यू नो ऐसे वर्क किया हुआ है और कटआउट सा है। और इसके साथ आपको बहुत ब्यूटीफुल सा कलर लगा मुझे, ये अच्छा लगा मुझे ये वाला कलर है ना। इसके साथ आपको इस कलर का बॉटम मिल जाता है जो बिल्कुल प्लेन है, बट ये कंफर्टेबल रहेगा कपड़ा। और जो ऊपर वाला है ना ये थोड़ा सा ये रेयन मटेरियल में है, बट बहुत सुंदर शाइन कर रहा है,
बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। उसके बाद फिर गाइज आपको एक और आउटफिट है आज के लेमन कलर में, कच्चा पीला सा कलर होता है ना बिल्कुल वैसा, ठीक है, फ्लोरल सा आउटफिट है। मैंने ये सोचा ना मैं प्लेन आउटफिट्स पे इंक्लूड करती हूँ और मैं कुछ ना फ्लोरल भी इंक्लूड करती हूँ, क्योंकि आजकल फ्लोरल का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। तो इसलिए नेक पे आप देख सकते हो आपको हल्का सा वर्क मिल जाता है यहाँ पे, बाकी ये पूरा फ्लोरल है, बाकी और आपको कहीं पे भी ऐसे ना कढ़ाई वढ़ाई का काम नहीं मिलेगा, सारा प्रिंटेड है फ्लोरल। और इसके साथ आपको ये बॉटम मिल जाता है, प्लेन सिंपल आपको बॉटम लेमन कलर में, और इसके साथ आपको ये नेट का दुपट्टा मिल जाता है, जो वर्क आप इसका देख सकते हो सुंदर लग रहा है ना इसका काम, और पूरे दुपट्टे के ऊपर ना कुछ इस तरह से काम है, बूटी का काम है छोटा छोटा सा। आज के हॉल का लास्ट आउटफिट है गाइस ये ग्रे कलर में, कपड़ा अच्छा है इसका, कॉटन सा लग रहा है, खादी कॉटन होता ना ये बिल्कुल बिल्कुल वैसा लग रहा है, बट इट्स वेरी सिंपल। ये मैं आपको फेस्टिव तो नहीं बोलूंगी मैं, ये आप इसको लगा लो बहुत ऑफिस कॉलेज घर पे डालने के लिए, डेली डालने के लिए। ये वाला आउटफिट ग्रे कलर में है, ठीक है, और इसके स्लीव्स के ऊपर इस तरह से लेस लगाई हुई है वाइट कलर में, बाकी पूरा सिंपल है। मैंने आपको तभी बोला ना ये कोई फेस्टिव वाला नहीं है, ये बस मैंने ले लिया था इसको, खादी कॉटन है गाइस, बहुत कंफर्टेबल मटेरियल है, और इसके नीचे सलवार है। अच्छा ये कुछ डिफरेंट था तभी लिया था मैंने, ये सलवार है इसके नीचे इस तरह से ना, और साइड में आपको ऐसा वर्क किया हुआ है, साथ में आपको ग्रे कलर का नेट का दुपट्टा मिल जाता है, छोटू सा दुपट्टा छोटू सा ये आप देख सकते हो, इसके इस तरफ लेस लगाई हुई है, ठीक है। तो बस गाइस ये सारा टाइम गिरती रही, एक्चुअली मैंने पिन करना पड़ता है ना, मैंने पिन नहीं किया और काफी लंबा है ये दुपट्टा। चलो जी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू, सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड चलो अब मैं एक और हॉल शूट करूंगी यहाँ पे बैठ के, 5 आउटफिट्स हैं फ्रॉम मीशो, तो अब नेक्स्ट हॉल भी अभी आएंगे, ये अगस्त के मंथ में मैंने बहुत सारे फेस्टिव हॉल्स प्लान किया आप लोगों के लिए, तो स्टे ट्यून एंड देखते रहना, बाय।